गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 में हमारा एसएसटी का चैप्टर चल रहा था, थर्ड, हमें संस्कृत क्यों चाहिए। हमने कल अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनकर संसद के सदस्य बनाती हैं, और संसद के जो सदस्य होते हैं उसको हम बोलते हैं सांसद, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी बताया था कि हमारे निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, आपको बताया गया था कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो कि अलग अलग राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हम अपने मतदान के माध्यम से चुनते हैं जो जाकर संसद के सदस्य बनते हैं। अब आते हैं कि इन सांसदों से मिलकर जो संसद बनती है, तो इस संसद का चुनाव हो जाने के बाद संसद को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि संसद को जो कार्य करने पड़ते हैं वो क्या हैं। तो आज हम सबसे पहला कार्य पढ़ते हैं, वो है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा होती है लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है, चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, जिससे ये पता लगता है कि अलग अलग राजनीतिक दल से कितने कितने संसद निर्वाचित हुए हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो हमारे जो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है, संसद सांसदों की संख्या होती है, उसमें उनका बहुमत प्राप्त होना अनिवार्य है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि लोकसभा में कुछ 543 सीटें हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इस प्रकार इन संख्या का बहुमत में होना, अर्थात किसी भी दल के पास कम से कम 272 सीटें होगी, तो वह क्या बना सकती है, अपनी सरकार बनाने के लिए एलिजिबल होती है। अगर संसद में आपको बहुमत प्राप्त है तो उस दल को हम क्या कहेंगे, संसद बनाने के, अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त सरकार राजनीतिक दल कहेंगे। लेकिन अगर बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने के सभी राजनीतिक दल, ये तो कहलाता है हमारा सरकारी दल, जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन जो है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती है बहुमत के रूप में, उसके अलावा जो होती है वो दूसरा होता है विपक्षी दल, ठीक है। कार्यपालिका चुनाव करना लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों की समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करती है। जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो यही समूह है वो कार्यपालिका के रूप में, यानी सरकार के रूप में माना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, यानी जो बहुमत का राजनीतिक दल होता है उस दल का चुनाव करके मुखिया बनाया जाता है। वही मुखिया भारत के प्रधानमंत्री, यानी लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। फिर प्रधानमंत्री अपने कार्य को संचालित करने के लिए अपने दल के विभिन्न सदस्यों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश के लिए महत्वपूर्ण फैसलों को लागू करते हैं। ये सभी मंत्री कार्यपालिका के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा, वित्त, रक्षा, ये सभी कार्यों की सरकारी जिम्मेदारी को संभालते हैं। हाल ही के सालों में काफ़ी साल से राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा। जो हमारे पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट रूप से बहुमत हासिल नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो क्या करते हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं, मतलब अनेक राजनीतिक दल मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसे हम गठबंधन कहते हैं, और साझा मुद्दों पर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। अब आता है आगे, एक चित्र दिखाया गया है जो केंद्रीय सचिवालय की 2 इमारतों का है, जिन्हें हम साउथ ब्लॉक और दूसरा नॉर्थ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। 1930 के दशक में इसका निर्माण किया गया था। बाईं ओर जो आपको दिखाया गया है साउथ ब्लॉक का चित्र, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर है, और दूसरी तरफ जो नॉर्थ ब्लॉक है उसमें हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री के कार्यालय मंत्रालय है। इस तरह और भी कई बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं जहाँ पर हमारे केंद्र सरकार के मंत्रालय अपना अपना कार्य करते हैं। दूसरा सदन जो होता है राज्यसभा। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
राज्यसभा का कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी भी विधेयक को कानून रूप बनाने के लिए जरूरी होता है कि राज्यसभा में भी उसकी मंजूरी प्राप्त करे। इस प्रकार राज्यसभा का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानून की समीक्षा करता है, अगर जरूरत होती तो उसमें संशोधन करने का कार्य भी करता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कार्य होता है सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें एक प्रश्नकाल का दौर होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से सरकार के कार्यकाज की जानकारियां जनप्रतिनिधियों द्वारा पहुंचती है। संसद की कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है। यहाँ पर जितने भी सांसद होते हैं, विपक्षी दल के जो सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, सरकार को उनके कार्यों के लिए प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न करते हैं और संसद जो उससे संबंधित अधिकारी यानी जो मंत्री होते हैं उन सभी को उन सब चीज़ों का जवाब देना होता है जो सांसदों द्वारा सवाल किए जाते हैं। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है। लोकतंत्र में स्वस्थ संचालन के लिए विपक्षी दल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वह सरकार की नीति और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाती है और अपनी नीतियों से जनसमर्थन भी प्राप्त करती है। संसद के जो प्रश्नकाल होता है इससे सरकार को भी अपना फीडबैक मिलता है, इसलिए वह भी चुस्त दुरुस्त रहती है क्योंकि उन्हें प्रश्नों का जवाब देना होता है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों को भी संसद में मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से सरकार को संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित करने, निर्देशित करने, सूचित करने में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यही भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि प्रश्नकाल के दौरान किस प्रकार से हमारे जो स्वास्थ्य बाल कल्याण विकास मंत्री हैं उनसे सवाल किए गए हैं और उन्हें उनको जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब वो किस प्रकार से दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर से हम